रावत पढ़ाए थे उसका हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। उचित उत्तर चुनिए। आप लोग ये सब बुक में ही क्वेश्चन का जवाब देना है। अली मोहम्मद की दुकान थी कहाँ? अमृतसर में। अली मोहम्मद ने मकान किराए पर ले रखी थी कहाँ? सरीपुरा मोहल्ले में। चक्की पर काम करते हुए अली मोहम्मद ने बचा लिए थे कितने रुपये? 500 रुपये। अली मोहम्मद जेल में रहा था कितने महीने? 1 महीने। इसमें मौखिक उत्तर दीजिए। ये सब बच्चों आप लोग अपने से खुद क्वेश्चन का जवाब देंगे और पाठ के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं का क्रम दीजिए। ये कौन सी घटना पहले घटी थी? तो अली मोहम्मद ने अखबार बेचना शुरू किया था। सबसे पहले अली मोहम्मद ने अखबार में विज्ञापन देखा, उसके बाद से अली मोहम्मद लाहौर चला गया। अली मोहम्मद मिलावट का धंधा करने लगा। अली मोहम्मद ने अपनी चक्की खोल दी। अली मोहम्मद ने जुर्माना अदा किया। अली मोहम्मद ने जहर की पुड़िया खरीदी। घ, क्वेश्चन नंबर घ दे, आप लोग ध्यान से देखिए, लिखित उत्तर दीजिए। अली मोहम्मद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहने का कारण क्या था? अली मोहम्मद उच्ची दर पर अपना माल बेचता था जबकि दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे, इसलिए ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दुकान खोलने के पहले अली मोहम्मद ने कौन कौन से काम किए थे? दुकान खोलने के पहले अली मोहम्मद ने अखबार बेचता था, फिर उसने खोमचा लकड़ी और बांस का थैला या परात बनाकर उसमें आइसक्रीम मिठाइयाँ घूम घूम कर बेचा करता था। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। भाषा कौशल, भाषा कौशल में आप लोग च, च का देखिए ध्यान से बच्चों। सही उत्तर के सामने आप लोग का टिकला, ये आपको बुक में बनाना है। घर बसाना एक मुहावरा है, मतलब शादी करना। इनमें से देशज शब्द क्या है? पेट। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द पुल्लिंग है। तो मौत क्या आप लोग को क्या होगा? स्त्रीलिंग। इसमें सजा, सजा क्या होगा? स्त्रीलिंग। पापो, स्त्रीलिंग। नौकरी क्या होगा आप लोगों का? स्त्रीलिंग। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन सब बहुवचन है। तो भीड़ क्या है? बहुवचन। अखबार बहुवचन। कमरे, जेब, कतरे, ये सब क्या है आप लोगों को? बहुवचन। इन शब्दों से विलोम शब्द लिखिए। ये आप लोग विलोम शब्द इसमें लिखना है। आप लोग अपना विलोम शब्द इसमें अपना बुक में ही आप लोग भर लेंगे। बेईमानी, बेईमानी का क्या होगा? ईमानदारी। मालिक, नौकर। उचित, अनुचित। बदसूरत, खूबसूरत। आय, आय का व्यय। पाप, पुण्य। इन शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। ये सब भी आप लोग बुक में भरिएगा। पत्नी, पत्नी का पुल्लिंग क्या हुआ? पति। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा लिखिए। इसमें आप लोगों को भाववाचक संज्ञा बताना है। किसी भाव, दशा, अवस्था आदि को दर्शाने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धोखेबाज, धोखेबाज का आपका क्या होगा भाववाचक संज्ञा? धोखाधड़ी। मिलाना, मिलाना का क्या होगा? मिलावट। बेईमान, बेईमान का क्या होगा? बेईमानी। कठिन, कठिनाई। कमाना, कमाई। ये सब सारे आप लोग भाववचन अपने बुक में ही भरिएगा। इन शब्दों से वाक बनाइए। वाक खुद ये बच्चों आप लोग वाक अपने से अपने अपने बुक में वाक बनाइएगा। बच्चों इसमें कुछ मैं अपने लिखकर आप लोगों को शब्दार्थ दी हूँ, अपने अपने कॉपी में आप लोग उतार लीजिएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको अपने में कॉपी में ही क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये भी आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखकर इसको याद कीजिएगा। दुकान खोलने के पहले अली मोहम्मद ने कौन कौन से काम किए, ये सब क्वेश्चन आंसर है बच्चों। आप लोग अपने कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? ये बच्चों हम मेरे तरफ से आप लोगों का HW होमवर्क रहा। आप लोग ये अपने अपने कॉपी में होमवर्क बनाइएगा। किसने किससे कहा? जनाब यह लड़की मुझे पसंद है, किसने और किससे किया? आप लोगों को खुद ही बुक पर पढ़कर और इसका आंसर आप लोगों को देना है, अपने अपने कॉपी में बनाना है। धन्यवाद।